अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर हाजिर मैथ्स की गेम्स के साथ। और लास्ट टाइम हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग का कॉन्सेप्ट समझा था, याद है किसी को? होपफुली सबको याद होगा। एक बार दोबारा मैं आपको बता देती हूँ, असेंडिंग ऑर्डर के लिए और डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए हमें क्या करना है, नंबर्स को आगे की तरफ लेके जाना है और पीछे की तरफ लेके आना है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर ट्रेन का एक इंजन है और ट्रेन के डब्बे हैं, ट्रेन के डब्बे 1, 2, 3, 4 आगे की तरफ आ रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे, काउंटिंग फ्रॉम द स्टार्ट करेंगे, तो हम कहेंगे ये है असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ने 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, तो ये क्या होगा हमारे लिए, असेंडिंग ऑर्डर। लेकिन अगर हम उसी काउंटिंग को बैक काउंट करेंगे, 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, सो इट मीन्स इट इज़ डिसेंडिंग ऑर्डर। वेरी गुड, शाबाश। अब इसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए हम बुक के पेज नंबर 11 और 12 को कवर करेंगे, आपको ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पेज नंबर 11 में सब अपने सामने बुक्स को ओपन करें और एक शार्प पेंसिल अपने हाथ में पकड़ें। मैं आपको बताती जाऊँगी, मेरी गाइडलाइन के साथ आप उस बुक के क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाएंगे, ओके। राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर किसको कहते हैं, द स्मॉलेस्ट नंबर टू द बिगेस्ट। छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाने को हम क्या कहते हैं, असेंडिंग ऑर्डर। गुड। अब हमारे पास सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 3, 6, 36, 3, 2, 32 एंड 4, 8, 48। थ्री नंबर्स गिवन हैं, इनमें हमें इसको असेंडिंग ऑर्डर में करना है। और डॉटेड में चेक करें क्या लिखा है, 3, 2, 32 सबसे पहले आ गया, उसके बाद 3, 6, 36 और 4, 8, 48। यानी कि इन नंबर्स को, तीन नंबर्स में से जो स्मॉलेस्ट नंबर था, जो छोटा नंबर था, जो गिनती में पहले नंबर आता है, वो 32 पहले लिखा गया। और फिर उसके बाद हमारे पास 33, 34, 35 नहीं था, तो हमने उसको मेंशन नहीं किया। जो चीज़ है हमारे पास, उनमें से हमें छोटे से छोटा नंबर फाइंड करना है, और फिर अगला नंबर भी जो छोटे में छोटा होगा, और लास्ट नंबर वो होगा जैसे सीरीज़ बन जाएगी, पहले 32, फिर 36 और फिर 48 की सीरीज़ बन गई। क्लियर। इन डॉट्स पे हमें क्या करना है, पेंसिल से ट्रेस कर लेना है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि मुझे स्टूडेंट्स खुद बताएंगे, ठीक है। 3, 2, 2, 4, 24, 2, 6, 26 एंड 2, 1, 21। हमारे पास तीन नंबर हैं कंपैरिजन में, तीन नंबर्स में से सबसे छोटा नंबर हमें फाइंड करना है। कौन बताएगा मुझे, 24, 26 और 21 में से कौन सा नंबर छोटा है और कौन सा नंबर पहले आता है? पहले तो 1, 2, 3, 4 आते हैं, लेकिन हमारे पास जो नंबर्स हैं उनमें से छोटा कौन सा है? एग्जैक्टली राइट, 21। और 21 के बाद हमारे पास 22 नहीं है, 23 नहीं है, कोई मसला नहीं। हमें हमारे पास जो नंबर्स हैं उनमें से फाइंड करना है कि अब हमारे पास कौन सा है, 24। तो सेकंड पोजीशन पे कौन आएगा, 24। और थर्ड पोजीशन पे कौन आएगा, जो रिमेन आखिरी रह गया, 26। वेरी गुड। इसी तरह से आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं, 9, 9, 99, 9, 8, 98 एंड 8, 8, 88। यहाँ पे भी तीन नंबर्स ही गिवन है। अच्छा, सबसे पहले ढूंढ लें छोटा नंबर कौन सा है इनमें से, स्मॉलेस्ट नंबर, छोटा नंबर। छोटा नंबर है 8, 8, 88। पहले 80 वाली सीरीज आती है, कर 8, 8, 88 के बाद हमारे पास दूसरा नंबर कौन सा है,
क्योंकि हमारे पास बाकी सीरीज़ नहीं गिवन, 9090 नहीं है, 9191 नहीं है, 9292 नहीं है, इट्स ओके फाइन, हमें वो नंबर्स नहीं लिखने जो यहाँ पे नहीं हैं, हमें वो नंबर्स लिखने हैं जो यहाँ पे गिवन हैं। इसके बाद आएगा 9898 और द लास्ट नंबर, आखिरी नंबर 9999। ये तो आप बहुत जल्दी से सॉल्व कर रहे हैं, गुड, और मेरे साथ चलते रहिए और फास्ट फासन को सॉल्व करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 100 यानी के 100, 1010 और 0, खाली 0, इन तीनों नंबर्स में से सबसे छोटा नंबर कौन सा है? सबसे छोटा नंबर 0 है, इसका मतलब कुछ भी नहीं हमारे पास। देन हमारे पास है 1010, 10 रुपये जो सबको मिलते हैं रोज़ाना, है ना, और 1000, 100 रेड वाला नोट, याद है ना, तो तीसरा नंबर हमारे पास हो जाएगा 100 का। गुड, शाबाश, मुझे लग रहा है अब सब स्टूडेंट्स को असेंडिंग ऑर्डर का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आ गया है। आगे चलते हैं, 2828, 8484 एंड 3232। अब हमारे पास तीन नंबर्स तो हैं लेकिन सीरीज़ थोड़ी डिफ़िकल्ट है, सोचना पड़ेगा। अच्छा, तो यहाँ पे पहले 28 है, यानी कि टू नंबर से टेंस नंबर कौन सा है? 2। फिर दूसरी सीरीज, दूसरा नंबर कौन सा? 84, यानी कि हमारे पास टेंस नंबर क्या है? 18। और तीसरा नंबर है 32, यानी कि टेंस नंबर कौन सा है? 30। तो 10 नहीं है, 20 सीरीज़ है, तो सबसे छोटा नंबर हमारे पास होगा 20। सबसे पहले हम कौन सी सीरीज़ वाला नंबर लिखेंगे? 20 वाला। फिर उसके बाद 30, बिल्कुल हमारे पास 30 का भी नंबर है, चेक करें, गुड, 30 वाला नंबर हम यहाँ पे लिखेंगे दूसरे नंबर पे, सेकंड पोजीशन पे। और तीसरा नंबर जो है वो 84, यानी कि 80 सीरीज़ वाला है, तो हम 80 वाला नंबर लिखेंगे, गुड, 84, शाबाश। हमारे पास तीनों नंबर हो गए, और इसी तरह से असेंडिंग ऑर्डर के बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करेंगे, और ये होमवर्क आपका टीचर आपका चेक करेंगी, ओके, फाइन। इसके बाद हम पेज नंबर 12 पे आ जाते हैं, इट इज़ डिसेंडिंग ऑर्डर, और इसी असेंडिंग ऑर्डर को उल्टा करना, यानी कि बड़े से छोटे की तरफ लेके आना, बिगर से स्मॉलर की तरफ आने को कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। और डिसेंडिंग ऑर्डर के क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन है 1111, 7575 एंड 5555। ठीक है, तीन नंबर्स यहाँ पे भी गिवन है कंपैरिजन में, और तीनों नंबर्स में से हमें अब कौन सा सर्च करना है, कौन सा फाइंड करना है? 55 नंबर, बिगर नंबर, सबसे ज़्यादा बड़ा नंबर। ठीक है, तो बड़ा नंबर कौन सा है इनमें से, 1111 है या 7575 है या 5555? बड़ा नंबर है हमारे पास 7575, डॉटेड भी आपको गिवन है, आपको उस पर ट्रेसिंग करनी है और इस चीज़ को समझना भी है कि हमारे पास सबसे बड़ा टेंस नंबर जो होगा वो हम सबसे पहले लिखेंगे। जब हम सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले लिखेंगे तो ये ऑर्डर कहलाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर, शाबाश। दूसरा नंबर हमारे पास 55, दूसरा नंबर हमने लिखा 55, और लास्ट नंबर 1111, यानी कि छोटा नंबर हमारे पास क्या था? 1111। अब छोटा नंबर सबसे आखिर में आ रहा है, स्टार्ट हो रहा है बड़े नंबर से और एंड हो रहा है छोटे नंबर की तरफ, समझ आ रही है? गुड, एक दोबारा हम ट्राई करते हैं, 7272, 7676 एंड 7070, ये तो तमाम टेंस 70 के ही हैं। अब क्या होगा? अब हमें चेक करना है कि 7070 की लाइन में हमारे पास किसके पास यूनिट नंबर ज़्यादा है, वंस नंबर ज़्यादा है। वन छोटा होता है, टू बड़ा, थ्री उससे बड़ा, फोर उससे बड़ा, फाइव उससे बड़ा, इसी तरह से हम
7070 की सीरीज में चेक करना है कि यूनिट नंबर किसके पास, वंस नंबर किसके पास बड़ा है। चेक करें 7272 के पास, 70 के पास टू नंबर्स हैं, क्या ये बड़े हैं? या फिर 76776 के बाद सिक्स नंबर, क्या सिक्स नंबर बड़ा है? या 7070 जीरो नंबर बड़ा है? जी बिल्कुल करेक्ट आंसर, सिक्स नंबर बड़ा है तो 76 सबसे पहले आएगा, गुड। और सेकंड नंबर क्या आएगा? 7272, शाबाश। और लास्ट में 7070। मुझे लग रहा है स्टूडेंट्स बिल्कुल क्लियर हो गए हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। और रिमेनिंग क्वेश्चन ये स्टूडेंट्स खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं, राइट? वेरी गुड, राइट। सो ये होमवर्क आपका, टीचर कॉल करके आपसे रिव्यू लेंगी और चेक करेंगी और तमाम स्टूडेंट्स उनको अपना होमवर्क चेक करवाएंगे। और इसी के साथ हम फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।